हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुजिता किचन में। आज हम आपके लाए हैं ठंडा ठंडा गोलगप्पे का पानी और टेस्टी चटपटा सा मसाला। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गोलगप्पे का मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर मटर लिया है, जिसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर हमने आलू लिए हैं, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम यहाँ पर आलू और मटर को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर कुकर लिया है, इसमें डालेंगे मटर और आलू डालेंगे और इसमें डालेंगे पानी। और अब हम यहाँ पर हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। कुकर को हमने गैस पर रख दिया है। हम इसमें 3 से 4 सीटी लगाएंगे ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे से बॉईल हो जाए। अब हमारे आलू और मटर में 3 से 4 सीटी लग चुकी है। अब हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारे मटर अच्छे से बॉईल हुए हैं या नहीं। तो देख सकते हैं हमारे जो आलू और मटर है वो बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। आलू को हमने बर्तन में निकाल लिया है। अब हम आलू को छीलेंगे। हमने सारे आलू को छील लिया है। आलू को हमने एक बड़ा बर्तन में ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, 2 चुटकी काला नमक। अब हम मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमने आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए मटर, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा गोलगप्पा का मसाला बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे गोलगप्पे का पानी। पानी बनाने के लिए हम यहाँ पर मिक्सी जार लेंगे और इसमें डालेंगे हरी धनिया। सूखा पुदीना, अगर आपके पास ताज़ा पुदीना है तो आप वो भी ले सकते हैं। 4 साबुत हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसको पीस कर तैयार कर लेंगे। अब हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसे छानेंगे। छानने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है और एक छन्नी ली है। अब हम इसमें चटनी डालेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। चटनी को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 4 छोटा चम्मच जलजीरा, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हिंगोली पिसा हुआ, 2 चुटकी हींग, 1 चुटकी काला नमक, स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक। और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बूंदी। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ठंडा ठंडा पानी और टेस्टी चटपटा सा मसाला बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार हुआ है, और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे गोलगप्पे का ठंडा ठंडा पानी और चटपटा सा मसाले की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।